कैमरे का सेटिंग है ना, मैं आपको बता दूं, कैमरे का सेटिंग मैंने करके रखा है 1080 बाइक में। परसों के दिन इशू हो गया था। ये जो इस समय अपने रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये रास्ता है नो एंट्री। तो दोस्तों अभी एक ऑर्डर लगा है इसका, हब टाउन का ऑर्डर पिकअप कर लिया यहीं से था, और चलते अभी ऑर्डर डिलीवर करने। अभी जो कैमरे का सेटिंग है ना, मैं आपको बता दूं, कैमरे का सेटिंग मैंने करके रखा है 1080p 60fps, और इसका जो जायरो है मैंने ऑफ करके रखा है, क्योंकि जायरो जब ऑफ करते हैं ना तो ज़्यादा वाइड एंगल लेता है, और जायरो ऑन करते हैं ना तो थोड़ा वीडियो क्रॉप्ड होता है, बट वो जो शेकिंग हो रहा है वीडियो में ना तो वो नहीं होता है। तो अभी मैं वही टेस्ट करूँगा कि अगर ज़्यादा शेकिंग होएगा तो फिर जायरो ऑन कर दूँगा, अगर मतलब नॉर्मल है चल जाएगा कि उतना शेकिंग नहीं हो रहा वीडियो में, तो मैं जायरो को ऑफ ही करके रखूँगा, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा वाइड व्यू आता है तो अच्छा दिखता है थोड़ा। अभी हम लोग जेबी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे है, इसमें लाइट रात को जलता है। मेरा यूट्यूब अगर शॉर्ट्स में देखे रहोगे तो इसका मैं बहुत सारा वीडियो बना के डाला हुआ हूँ ऑलरेडी, रात को बहुत अच्छा दिखता है सब, मतलब जहाँ तक है ना अगले सिग्नल तक वहाँ तक पूरा इसमें कलर वाली लाइट लगी है नीचे। एक बार मैं रुक के वीडियो चेक कर लेता हूँ, सिग्नल क्रॉस होने के बाद ना एक बार मैं रुक के वीडियो चेक कर लेता हूँ कैसा आ रहा है, क्योंकि ये देखो आगे गाड़ी टो करने वाला खड़ा है, इसके लिए रोड पर गाड़ी नहीं खड़ा करते यार। ये सामने का ब्रिज देखो, ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है ना उसको ऊपर से मेट्रो का ब्रिज क्रॉस किए, वो देखो। मेरे बाइक में परसों के दिन इशू हो गया था, इशू क्या था मैं बताता हूँ। हफ्ता भर पहले मैंने इसका सर्विसिंग कराया था ना, तो उसका जो ये जो कॉइल रहता है ना जिसमें से पावर जनरेट होता है, वहाँ से ना ऑयल लीक कर रहा था, और पूरा मतलब जो ये रहता है ना उसमें गेज नापने वाला, तो उसमें आधा हो गया था, आधा से ज़्यादा ही नीचे हो गया था। तो उसको मैंने मतलब काम नहीं किया रात, उस दिन रात को गया था बट वापस चला आया था, और उसके बाद ना मैं अगले दिन लेके गया था इसको गाड़ी को रिपेयर कराने। तो बनाने के बाद एक दिन मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था सूखने के लिए, जब ये सूख गया मतलब जो पैकिंग लगाए थे, तो उसके बाद आगे का मैं आज ऑनलाइन किया हूँ, और आज पहली बार दिन में इसका कैमरा भी सेटअप किया हूँ। चार्जर खोल के चला रहा हूँ, अभी पता नहीं माइक का आवाज़ कैसा आ रहा है, मैं माइक भी अच्छा वाला नहीं लगा रहा हूँ, इसके लिए आवाज़ का जो क्वालिटी है ना मतलब काफ़ी ख़राब आता है, तो इसको स्टीरियो करके उसका मोनो का माइक ले लेंगे, उसमें देखेंगे साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें ना आवाज़ ज़्यादा मोटा आता है तो कुछ भी बोलता हो तो प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। ये जो इस समय अपने रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये रास्ता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सुबह का टाइम ना अपना अंधेरी साइड से अगर बोरी वाली साइड जाते हैं ना तो ये रास्ता खाली मिलता है, और शाम के समय में ये पूरा जाम हो जाता है। मगर इससे अपोजिट साइड में देखो, अपोजिट साइड में क्या हुआ है, मतलब जो उस साइड से आते हैं ना बोरी वाली और बिरार साइड से काम करने, इसके लिए वो लाइन पूरा अभी सुबह का टाइम जाम रहता है, और शाम के टाइम ना ये वाला लाइन पूरा जाम रहता है। आगे से दिखा रहा है कि सर्विस लाइन में चले जाने का, सर्विस लाइन से फिर यू टर्न मार के हब टाउन वाले में बिल्डिंग में ऑर्डर देने का है। अब ये एडवर्टाइजिंग के लिए ना चारों तरफ यही वाला डिस्प्ले लगा है, डिजिटल बोर्ड, एक टाइप से देखा जाए तो सही है काफ़ी, मतलब जो फ्लैग्स बनते हैं ना वो सब बाद में वेस्टेज हो जाते हैं निकालने के बाद, ये क्या है अपना डिजिटल है, एक साथ में 3-4 जन का ऐड भी लगा सकते हैं और कोई वेस्टेज भी नहीं होता अपना। तो सामने ब्लू वाली बिल्डिंग में जाना है, मगर ये हाईवे पे अभी अपने को सर्विस लेन में जाना पड़ेगा, इसमें जाना है। ये जो चित्र बना है ना ड्राइंग दीवार के ऊपर, कल के दिन में मतलब एक दिन देखा था, कल तो काम पे नहीं आता, एक दिन देखा था, पता क्या कर रहे, प्रोजेक्टर लगा के दीवार पे फोकस कर रहे पूरा वाइट पेंट मारने के बाद, और उस पर जो मतलब प्रोजेक्टर से जो चित्र दिख रहा है ना उसको वो कलर से फिल कर रहे हैं, और उसी मतलब ऑलरेडी जैसे कैसे हम लोग कार्बन लगा के पेपर पे बनाते हैं उसी तरह से ये प्रोजेक्टर मार के दीवार पे कार्बन टाइप से और उसको पेंट कर देते हैं। इससे मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा था, मेरे को लगता था कि तो मतलब ये बनाते रहेंगे हाथ से पूरा एकदम ये करके, बट वो सब प्रोजेक्टर के थ्रू करते तो काफ़ी मतलब सही रहता है। मुझे पता नहीं था कि प्रोजेक्टर से सब दीवार पे पेंटिंग होता है। ओ
नो एंट्री। अभी आगे जाता था चालान कटता था मेरा। मैं ना एक बार आपको गाड़ी का हालत दिखाता हूँ। कल बारिश हुआ था अपने इधर, एक तो धूल मिट्टी ऐसे ही गाड़ी पे जमा रहता है, और थोड़ा थोड़ा बारिश का छींटा पड़ा, पूरा एकदम अच्छे से धूल मिट्टी पूरा दिखने लगा। वो सामने वाली बिल्डिंग में जाना है, उस साइड से आया था, रास्ता नहीं है ना, अंडरग्राउंड अंडर पास है मगर पैदल के लिए। इसी में देने का है, चलते हैं देखे आते हैं। भाई गाड़ी मत उठा लेना, और कुछ नहीं है। यहाँ पे और मैं आपको गाड़ी का कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो, ये फ्रंट में देखो क्या हुआ है। ये धूल मिट्टी बैठा रहता है ना, इसको साफ करता हूँ कि खाली बैठूंगा ना तो अच्छे साफ कर लूंगा। जो धूल मिट्टी बैठा था उसके ऊपर से हल्का बारिश हुआ, ज़्यादा जोर का नहीं, अगर जोर से भी होता था तो पूरा मिट्टी साफ हो जाता था। मतलब ऐसा जोर से छीटा मारते ना, बूंदा बांदी हुआ, इसके वजह से पूरा ये हाल हुआ है गाड़ी का। और ये देखो यहीं पे कावासाकी का शोरूम भी है इसी बिल्डिंग में। वो आदमी को देखो यार किस तरह से लटका हुआ है। ये सब कावासाकी की गाड़ी है एकदम, जो भी सुपर बाइक बोलते हैं ना। यहीं से बाहर निकलते हैं, अपने को जाना है गुलाटी में, गुलाटी वाले से ऑर्डर लेना है, अभी उसका ही लगा है। मतलब दिन का जो क्वालिटी है ना कैमरे का काफ़ी सही है। और ये जो वाइड एंगल में देख रहा हूँ, अभी बता रहा था ना आपको, वाइड एंगल का मैंने मतलब अभी वीडियो एक बार प्ले करके देखा था, काफ़ी मतलब सही है, उतना कुछ ज़्यादा हिल नहीं रहा और वाइड भी बहुत सही आ रहा है। तो इसके लिए मैं अभी इसको ना जायरो ऑन नहीं करूँगा, इसी पे रिकॉर्डिंग करूँगा। जायरो में क्या क्रॉप्ड होता है वीडियो ना, तो अच्छा नहीं लगता, इस तरह से ज़्यादा वाइड में सही है। तो भाई अभी ये कौन सी बस है भाई, MSRTC है तो गवर्नमेंट का ही, काफ़ी VIP बना कर रखा है। अरे यार ये जीजा माता रोड पे तो पूरा एकदम बसड़ी रहता है हमेशा, खाली मिलता नहीं कभी भी। आओ दिन रात को तो समझ में आता, अभी पता नहीं कौन सा जाम है इधर। साइड साइड से निकल लेता यार, तो जगह नहीं देंगे भाई साहब। हाँ है, अभी थोड़ा सा लग जाए बस उतर के भाषण चालू कर देंगे। अभी इधर तो जाने दे रहे भाई, ये देखो रॉन्ग वे आ रहे भाई साहब। ये आगे अभी अपना शेरे पंजाब में, शेरे पंजाब का सर्कल है। यहाँ पर लिखा है आई लव अंधेरी है शेरे पंजाब, मगर अंधेरी वाला बोर्ड इधर चिपका दिए। जाओ मैडम, इनके आगे जाओगे तो पता लगा इनका ब्रेक भी नहीं लगता, पैर वाला ब्रेक रहेगा। मिस कर गया तो लारे गुड़ा देंगे तुमको ही। अभी मैं वीडियो ना ज़्यादा लंबा नहीं बनाया करूँगा, छोटा छोटा वीडियो बनाया करूँगा। अरे यार ये देखो रेस्टोरेंट पे पहुँचते पहुँचते एक और ऑर्डर लग गया, ये भी गुलाटी का है मगर ये भी सही है, लंबा का ऑर्डर है, दोनों का दोनों रेडी है। चलते दोनों उठाते हैं। 9961 दोनों ऑर्डर उठा लिए, अभी देखते हैं पहला कौन सा छोड़ना है। 9961 वाला पहले छोड़ना है, तो 6187 वाले को इधर छिपा देते, गाड़ी छोड़ के जाना रहता है ना, दिख गया तो कोई उठा लेगा। ये वाला कहाँ देना है, महेश्वरी नगर S3। तो यहीं पे लास्ट करते, वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैं ना ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं करूँगा, 5 से 10 मिनट का सोचूंगा कि उसके अंदर का ही रहे। और ख़ास करके देखूंगा कि दिन में क्या रहे, दिन का क्या रहता है, थोड़ा क्वालिटी
लो लाइट का इशू नहीं रहता, लो लाइट जो रात का वीडियो रहता है ना, लो लाइट रहता तो कैमरा जो है ना, कितना भी अच्छा कैमरा रहे या फिर गोप्रो भी क्यों ना रहे, उसका ना क्वालिटी कम हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी एच डी कैमरा, ये तो ऐसे ही उसका मतलब समझो कि तीन तिहाई में एक तिहाई ये कैमरा है गोप्रो का, तो इसमें क्या क्वालिटी आएगी रात का। तो अभी मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बस आधा एक घंटा रिकॉर्डिंग करके उसी का वीडियो बना दिया करूँगा। ये पूरा भंगार वाड़ी है, इसमें तुमको ना घर से लेकर ऑफिस से लेकर जो सामान चाहिए वो सामान मिल जाता है यहाँ पे। पूरा भंगार वाड़ी एरिया इसको बोलते हैं। कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर मिलेगा, तुमको टेबल चाहिए कंप्यूटर रखने वाला, ऑफिस का फर्नीचर चाहिए मतलब घर का फर्नीचर चाहिए, ओवन चाहिए, कुछ भी चाहिए। अभी हम लोग आ गए अपना आकृति वाले रोड पे। आकृति वाले रोड के पीछे साइड में जो है वो महेश्वरी नगर आता है। आई थिंक मेरा कैमरे का बैटरी डाउन हो गया, बार बार आवाज़ कर रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग बनाने के बाद ना कैमरा चार्ज नहीं किया था, इसके वजह से इशू आ रहा है। अब यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो वीडियो का मतलब कैमरा का बैटरी तो अभी ख़त्म हो गया, तो अभी इसी वीडियो का यहीं पे लास्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए राइडर 61 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मतलब आज तो वीडियो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कैमरा को चार्ज करके लेके आऊँगा। और आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद। फिर सामने आंटी जा रही है ना, इनका देखो पैर ऊपर उठा ही नहीं रहे, दोनों का दोनों पैर।